ग्रीडी कूल ड्रिंक स्नेक वाला। चंबलपुर नाम के गांव में कन्हैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत चालबाज था। वो गांव भर में घूमकर लोगों को ठग कर पैसे कमाता रहता था। उसके पास एक थैली थी, उसमें छिपकली, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, चींटी जैसे कई किस्म के खिलौने थे। चलिए देखते हैं कि वो इनको लेकर कैसे लोगों को ठगता था। एक दिन वो एक ढाबे पर गया। वहां ढाबा ग्राहकों से भरा हुआ था। भैया, एक चिकन बिरयानी, एक मटन बिरयानी, तंदूरी चिकन, मटन लेग पीस, मटन कीमा, सब लेकर आओ। वेटर ने वो सारे आइटम्स लाकर टेबल पर रखा। वो उन सबको डटकर बड़े मजे से खाने लगा। बाद में चुपके से अपने थैली में से एक कॉकरोच को बाहर निकाला और बची हुई बिरयानी में रखकर, ए, यहाँ का मालिक कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? मैं क्या तुम्हें भीख मंगा दिखता हूँ? अरे ओनर कौन है? याओ, कहकर चिल्लाने लगा। ये शोर सुनकर बाकी ग्राहक ने अपना सिर घुमाकर क्या हो रहा है ये देखने लगे। इतने में ओनर आया। क्या हुआ सर, आप यूं चिल्ला क्यों रहे हैं? तो तुम ओनर हो? ये क्या है, देखो तुम्हारे बिरयानी में क्या निकला है, कहकर कॉकरोच को उठाकर दिखाया। ओनर ने तुरंत उसे झट से छीना। भैया ये तमाशा ना करो प्लीज, कहकर कस्टमरों से, कुछ नहीं, बस छोटा सा प्रॉब्लम है, आप लोग खाइए, आराम से खाइए। इस तरह वे सब आराम से खाने में लीन हो गए। बाद में, भैया धीरे से बोलो, जो हुआ उसके लिए माफ करो, मेरा धंधा खराब ना करो, 35 सालों से ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, तुम्हें बिल चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मेहरबानी करो और बिना तमाशा किए यहाँ से चले जाओ। क्या, मैं तुम्हें कैसे दिखता हूँ? तुम्हारे बिल के पैसे किसे चाहिए भाई? मैं फूड इंस्पेक्टर को शिकायत करूंगा तो जानते हो क्या होगा? इस कॉकरोच का फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाला तो तुम्हारे ढाबे का और तुम्हारा क्या हाल होगा जानते हो? चुपचाप 10,000 रुपए दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कहकर उसे धमकाया। बेचारा ओनर लाचार होकर उसे 10,000 रुपए दिए। एक गाँव में एक कूल ड्रिंक्स की दुकान थी। उसका मालिक था आत्मा राम। उसका बेटा लड्डू पिताजी का हाथ बटाता था। वो मंद बुद्धि का था पर आदमी बहुत अच्छा था। जब पिताजी दुकान पर नहीं होते थे तब वो दुकान में रखे बन, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह गली में जा रहे कुत्तों को डालता था। वे दुकान के सामने आकर आराम से खाते रहते थे। दुकान से थोड़ा चीनी लेकर चींटियों के बिल में डालता रहता था। दुकान के पास आने वाले गायों को केले भी डालता था। अरे मूर्ख, हमने दुकान 4 पैसे कमाने के लिए खोला है, यूं दान पुण्य करने के लिए नहीं, दोबारा यूं किसी भी जंतु को तुम कुछ भी डालोगे तो मैं तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा। दुकान चूहों और छिपकलियों से भरा हुआ है, उन्हें भगाने के बजाय उन्हें खाना डालकर तुम पालते हो, कमबख्त। एक दिन लड्डू अपने दुकान में एक सपोले को देखकर उसे पकड़ा और, अरे मेरे पिताजी वैसे भी ठीक नहीं है, इस बेचारे बेजुबान सांप को देखकर वो इसे मार डालेंगे, मैं इसको बड़े ध्यान से पालूंगा। मेरे चोरना सांप, मेरे लड्डू सांप, तुम कहाँ से आए? बड़े सुंदर दिखते हो तुम, तुम्हें प्यास लगी है, कूल ड्रिंक पियोगे? कहकर उसे एक कूल ड्रिंक के बोतल में डाल दिया। ठीक उसी समय कन्हैया दुकान के पास आया और दुकान को देखकर, उफ धूप बड़ी करारी है, एक ठंडा कूल ड्रिंक पीना होगा, बाद में ठग कर पैसे भी ऐंठने होंगे, ऐसा उसने सोचा। यूं वो दुकान के पास आया और, एक कूल ड्रिंक चाहिए, तब लड्डू ने कूल ड्रिंक दिया। कन्हैया ने एक छोटे से चूहे वाला खिलौना को उठाया और कूल ड्रिंक की बोतल में डाला, फिर उसे पीने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने बोतल में देखा तो उसे एक सांप नजर आया। वो, ये क्या, मैंने तो चूहे का तस्वीर डाला था, इसमें सांप कहाँ से आया? तब लड्डू, अरे ये सांप का तस्वीर नहीं, ये असली सांप है, मैंने ही इसे कूल ड्रिंक वाले बोतल में डाला था, इसे प्यास लगी थी ना, वो बोतल मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूसरा बोतल कूल ड्रिंक का देता हूँ। ये सांप मैं पाल रहा हूँ भैया, मैंने गलती से तुम्हें ये बोतल दे दी, इसे प्यास लगी थी तो मैंने इसे बोतल में डाल दिया था, वो बोतल मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें दूसरा बोतल कूल ड्रिंक का देता हूँ। ऐसा लड्डू ने कहा।